नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। रिटर्न टिकट दिखाने के बाद बीएमसी ने पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ा। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की चेतावनी, 3 साल से कम बच्चे को मास्क पहनना हो सकता है खतरनाक। 10 अगस्त से पहले 20 लाख केस, राहुल बोले गायब है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू होंगे नए सीएजी, राजीव महर्षि की लेंगे जगह। राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाते युवकों पर की कार्रवाई, 2 अधिकारियों का तबादला। कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर को पीछे छोड़ रहा एंटीजन टेस्ट। खलासी सिस्टम खत्म करने की तैयारी में रेलवे, इस पद पर नहीं होगी नियुक्ति। दक्षिण कोरियाई कंपनी की दवा का कोरोना संक्रमितों पर होगा क्लिनिकल ट्रायल, यूएस एजेंसी ने दी मंजूरी। आईपीएल को गृह मंत्रालय की मंजूरी, यूएई में होना है आयोजन। लेबनान के बेरूत धमाके में जर्मनी के राजदूत की मौत। ग्रेटर नोएडा में 2 जगह मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले गॉड के खिलाफ है जो बिडेन। अमेरिका में सरकारी डिवाइस में टिकटॉक बैन, सीनेट से पारित हुआ विधेयक। अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बात, कोरोना महामारी और द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा। सुशांत मामले में सीबीआई टीम हुई तैयार, बिहार पुलिस से साधा संपर्क। कोरोना को मात देकर कसौटी के शूट पर वापस लौटे पार्थ समाधान। माइक पोम्पियो के साथ एस जयशंकर ने की बात, द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। राहुल गांधी ने फूका बिहार चुनाव का बिगुल, कहा केंद्र सरकार हर मोर्चे पर रही विफल। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू होंगे देश के नए सीएजी, कल लेंगे शपथ। कोरोना से संक्रमित सीपीआई के वरिष्ठ नेता श्यामा चक्रवर्ती का निधन। कांग्रेस का केंद्र से सवाल, रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से क्यों हटाई चीनी घुसपैठ से जुड़ी रिपोर्ट। श्रीलंका चुनाव में महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में एसएलपीपी ने शानदार जीत दर्ज की, पीएम मोदी ने दी बधाई। सुपर लीग के लिए ओडिशा एफसी ने रोजेरियो रामोस को नियुक्त किया गोलकीपिंग कोच। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, सीनेट की भारतवंशी प्रत्याशी सारा गिडियन को ओबामा का समर्थन। वेंकटेश ने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए घरेलू मुख्य कोच के एआईएफएफ के विचार का समर्थन किया।